अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पपाया फ्रूट। तो पपीते के अंदर विटामिन सी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, और इसके अंदर फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, कम करता है, और दिल की बीमारियों से बचाता है। और साथ साथ इसमें एक ख़ास किस्म के इंजाइम्स होते हैं, पेपेन और काइमोपेपेन, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प करता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जिनको कब्ज़ रहता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बीटा कैरोटीन्स होती हैं, बीटा कैरोटीन्स की वजह से ये आँखों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, मैक्यूला की डिजर्नेशन को प्रिवेंट करता है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और लाइकोपीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर से फाइट करता है, ख़ास तौर पर मर्दों के अंदर जो कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर होती है उससे ये बचाता है। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो अगर आप पपीते को यूज़ करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा वेट रिडक्शन में, यानी वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। और इसके साथ अगर पपीते के लीव्स, ख़ास तौर पर जिन लोगों को डेंगू होता है और प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, तो ये प्लेटलेट्स को रेज करने में, ख़ास तौर पर इसके लीव्स है, अगर 30 ml जूस पिया जाए तो पपीते के जो लीव्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं प्लेटलेट्स को रेज करने में। और इसके साथ साथ इसके स्किन की हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, और हेयर की हेल्थ के लिए, और बोन्स की हेल्थ के लिए, और अगर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अक्यूट पेन में भी हेल्पफुल है, जैसे टूथेक हो गया, लेकिन क्रोनिक जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जैसे आर्थराइटस है यानी जोड़ों का दर्द है, और दम्मा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जो चंद हाइलाइटेड हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बताए। तो अब सवाल है कि क्या शुगर का मरीज यानी डायबिटिक पेशेंट इसको खा सकता है? तो हाँ, इसको डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। बेहतर ये कि बिल्कुल ही ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी खा सकता है। और दूसरा सवाल ये क्या प्रेग्नेंट लेडी, हामला औरत इसको खा सकती है? तो हामला औरत कच्चे पपीते को नहीं खा सकती, कच्चा हो या सेमी राइप हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। तो आज मैंने आपको पपीते के हेल्थ बेनिफिट्स बताए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।